त्याग और बलिदान का त्यौहार ईद उल अजहा बकरा ईद बोहरा समाज ने बुधवार को हर्षोल्लास के साथ मनाई। समाज की मस्जिद में सुबह बकरा ईद की विशेष नमाज पढ़ी गई। इस दौरान बोहरा बाखल स्थित सैफी मस्जिद में बच्चों सहित बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित थे। समाजजनों ने बताया कि आमिल साहब ने नमाज के दौरान धर्म गुरु आली कदर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब की सेहत व लंबी उम्र के लिए खुदा से दुआ की। देश की तरक्की, खुशहाली, भाईचारा, अमन के लिए भी दुआएं की गई। आमिल साहब ने कुर्बानी के दौरान निकलने वाले अवशिष्ट के उचित प्रबंधन व साफ सफाई के बारे में शासन से नियमों का पालन करने की हिदायत दी। मांगरूल रोड स्थित बुरहानी हॉल और हकीमी टाउनशिप स्थित मस्जिद में भी ईद की नमाज पढ़ी गई। इस्लामी मान्यताओं के अनुसार यह त्यौहार त्याग और बलिदान के रूप में मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। ये आज मतलब बहुत उससे मनाया जाता है, कुर्बानी का पर्व है। कुर्बानी होती है इसमें, मतलब आज ईद उल अजहा कुर्बानी का ये महीना है। आज 10वीं तारीख कुर्बानी का दिन होता है। मौलाना इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद में आपने जो ख्वाब में देखा था वो उस सिलसिले में आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आज के दिन कुर्बानी की जाती है और ये कुर्बानी के सबब जो है हमारे ये ईद का पर्व, हमारा ईद का त्यौहार बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। और आज के दिन जो है नमाज अदा की जाती है और खुदा के लिए कुर्बानी की जाती है। जो नफीस में नफीस चीज़ हो, जो आपकी कीमती चीज़ है, खुदा की राह में कुर्बान करने का ये एक संदेश है, मैसेज है। आज सैयदना आली कदर मुफद्दल सैफुद्दीन का हमको हर दिन, हर वाज, हर प्रोग्राम में आप इमाम हुसैन के गम की जिक्र करते हैं। और नेक्स्ट मंथ हमारा जो आएगा वो भी 10वीं तारीख इमाम हुसैन की शहादत का दिन होगा। आज हमारा ईद का दिन है तो हमारे वर्ष में 5 ईद होती है। ईद अल्लाह अकबर, मिलादुन नबी, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा और ईद ग़दीरा खुम। और 5वीं ईद जो होती है हमारी ईद उल हुज़्न होती है, जो अशरा में मना गम की ईद होती है। तो हम यही दुआ करते हैं कि जिस तरह हम खुशी के पर्व को खुशी से मनाते हैं, अब उहबतुल अशरा मुबारक का है तो हम गम के दिन में बहुत तैयारी से, और हमको सैयदना साहब की यारी और तौफीक से हमको ये तौफीक होती है तो हम इमाम हुसैन का गम मनाते हैं। खुदा ताला सारे देश के लिए दुआ करते हैं और हमारा मुल्क तरक्की करे, अमन व अमान से रहे। और हमारे सैयदना साहब का, हम साहब की हमेशा दुआ है कि मुल्क तरक्की करे, ओज कर रहे और सभी खुश व खुर्रम रहे। और हमको एक दुआ आप हमेशा फरमाते हैं कि खुदा हमने हमेशा खुश व खुर्रम रखे, हुसैन ना गम से कोई गम ना दिखावे। खुदा ताला आली कदर मौला की उम्र शरीफ को तारो दे, क़यामत दराज करे, सभी को यही संदेश। क्या नाम लिखा? मेरा नाम मुस्ताली है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।